गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात बच्चों। आज हम एक नया अध्याय पढ़ने वाले हैं। उससे पहले कुछ उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मन करता है। मन बहुत कुछ करता है। जैसे आपका मन करता होगा घर में कभी मम्मी की तरह बनना, कभी पापा की तरह एक्टिंग करना, कभी दादा दादी की तरह एक्टिंग करना और कभी भाई बहनों की तरह काम करना। तो इन्हीं चैप्टर्स में, इसी चैप्टर से हम ले लेते हैं आज इस पार्ट का कुछ थोड़ा सा पार्ट, देखते हैं हमारा मन क्या क्या करता है। जैसे कुछ समय पहले की बात है, जब मैं अपनी क्लास में हिंदी चैप्टर कुछ सब्जेक्ट पढ़ा रही थी, अपना सब्जेक्ट पढ़ा रही थी, तो एक बच्ची बड़े गौर से मुझे देखती थी। वो करती क्या थी कि क्लास से पढ़ाते समय तो सारा काम कर लेगी और बड़े प्यार से पढ़ती थी, और घर जाकर मेरी एक्टिंग करती थी। जैसे कि मैम कैसे बोर्ड पर लिखती हैं, कैसे बातें कर रही हैं, अगर मैंने चश्मा लगाया है तो उसको बार बार इस तरह से करना, कभी पीछे से लगाना, तो वो मन करता है। मतलब समझ में कुछ आया, यानी दूसरों की नकल करना, यानी एक तरह से जो मन में आया वही हम करना, हमें करने की आदत पड़ जाती है। तो बच्चे को अंदर बहुत जिज्ञासा होती है कि वह बड़ों को देख कर उनकी तरह नकल करने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं इस पाठ में हमारा आज के चैप्टर में क्या है और बस बच्चे का मन क्या क्या करता है। देख लीजिए पाठ चार, मन करता है। मन करता है, एक यहाँ एक पिक्चर है छोटे से बच्चे की, जो अपने मन करता है, यानी उसके मन के अकॉर्डिंग, यानी जो उसके मन में आता है वो उसके अकॉर्डिंग क्या क्या काम करता है, देख लेते हैं। मन करता है सूरज बनकर, मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। कौन कह रहा है वो? ये बच्चा कह रहा है। मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं, मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूछ बढ़ाऊं, मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं, मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। और देखते हैं और क्या मन करता है इस बच्चे का। मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं, मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। और ये कविता लिखी है हमारे सुरेंद्र विक्रम जी ने। देखते हैं किस और एक बार हम फिर से इसकी ओर देख लेते हैं, इस चैप्टर की ओर फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। ये थी हमारी बहुत सुंदर कविता मन करता है, एक बार फिर से देख लेते हैं और इसका अर्थ मीनिंग भी देख लेते हैं। मन करता है सूरज बनकर, यानी उसका, इस बच्चे का मन क्या कर रहा है कि वो सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, यानी आसमान में वो सूरज बनकर पूरे आसमान में दौड़ लगाऊं। दौड़ लगाऊं मतलब इधर से उधर चक्कर लगाऊं। मन करता है चंदा बनकर, यानी चंदा मतलब चंद्रमा बनकर, आपके कारण उसका मन कभी कभी कह रहा कि मैं चंद्रमा बन जाऊं, क्यों, सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। और चंद्रमा बनकर, यानी चंदा बनकर, वो सब तारों पर अकड़ यानी धौंस जमाने की बात करता है। मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं, यानी अब उसका मन क्या कर रहा है, बाबा बनकर, देखो बाबा बना हुआ है ना, घर में जो दादा दादी होते हैं, दादा होते हैं, उनको यहाँ पर बाबा बोला गया है। घर में सब पर धौंस जमाऊं, यानी घर में जो सबसे बड़ा होता है वो सब पर धौंस जमाने की कोशिश करता रहता है। मन करता है पापा बनकर, अब उसका मन क्या बनने को कह रहा है, पापा बनकर मैं भी अपनी मूछ बढ़ाऊं, मैं भी अपनी मूछ बनाऊं, यानी पापा की तरह यूं मूछ बनाऊं। मन करता है तितली बनकर, अब तितली बनकर क्या मन कर रहा है इसका, तितली बनने का, क्यों, दूर दूर उड़ता जाऊं, जैसे तितली दूर दूर तक उड़ती हुई चली जाती है, तो अब मन कर रहा है उसका मैं भी दूर दूर तक उड़ते हुए जाऊं। मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं, अब उसका मन क्या कर रहा है, कोयल बनने का, और मीठे मीठे बोल यानी बहुत सुंदर सुंदर आवाज़ निकालूं, बहुत सुंदर सुंदर बातें करूं। मन करता है चिड़िया बनकर, आप क्या मन कर रहा है उसका, चिड़िया बनकर च
ची ची चू चू शोर मचाऊं। देखो अब उसे चिड़िया बनकर उसका मन क्या कर रहा है, ची ची की। चिड़िया की आवाज सुनी होगी आपने, ची ची और चू चू की आवाज वो निकालती है, तो उसकी उसकी तरह आवाज निकालू। मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। अब उसका मन क्या कर रहा है कभी कभी कि चरखी लेकर एक पीली और लाल रंग की यानी रंग बिरंगी पतंग को बनाकर उड़ाऊं। तो ये था इसका मीनिंग। बहुत ही सुंदर कविता है, आप इसको पढ़ेंगे और याद करेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं। मन करता है पापा बनकर अपनी मूछे मैं भी अपनी मूछ बढ़ाऊं। मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं। मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। मन करता है चिड़िया बनकर ची 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 चू चू शोर मचाऊं। मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। तो ये थी हमारी बहुत सुंदर कविता। आपको ये कविता लिखनी है अपनी कॉपी पर और इसको याद भी करना है। मुझे उम्मीद है कुछ बच्चों को तो बस ऐसे ही याद बोलते बोलते ही लर्न हो गया होगा। तो आपको ये कविता अपनी कॉपी में लिखनी है। अगर हो सके चित्र बना सकते हैं तो चित्र भी बनाइएगा, अच्छा लगता है चित्र बनाने में, बड़ा मज़ा आता है चित्र बनाने में। तो आपको ये लिखना भी है और इसे याद भी करना है। और इसके हम क्वेश्चन आंसर्स और बाकी चीज़ें हम कल करेंगे। तो आज का चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।